आज के हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल पे कैलकुलेशन या एक्सेल का फॉर्मूला कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए क्या है कि एक्सेल पे जैसे मुझे अगर दो नंबर को सम करना है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, सम कर लीजिए। या दूसरा तरीका होता है कि आप इन दोनों को प्लस ऑपरेटर से प्लस कर सकते हैं। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है, काम सेम कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये आपका इनबिल्ड फार्मूला है, इनबिल्ड फार्मूला है। मतलब ये जो मेनू बार है माइक्रोसॉफ्ट ने बना के आपको जो फॉर्मूले दिए है ना, ये इनबिल्ड फार्मूला है। लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब दोनों फर्क क्या है कि इनबिल्ड फार्मूला आपके लिमिटेड है, राइट, लिमिटेड है। देखिए ऑपरेटर के हिसाब से आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अंजाम दे सकते हैं। उसी की एक दो एग्जांपल हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर होते कितने तरह के हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार यूनिवर्सल तो है ही, इसके अलावा एक पांचवा है पावर। ये शिफ्ट के साथ एक्सप्रेस करने पर आता है, पावर का होता है। जैसे आपको 10 स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे आप करोगे इक्वल 10 पावर ऑफ 2, तो ये देखिए 100 आपको दे देगा। तो ये 10 स्क्वायर निकालने का काम करता है। अब इसमें ये तो चलो ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? 40 कुछ बोल रहे सर? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास बाय, कि आपने कोई प्रोडक्ट को बाय किया फिर सेल किया, अब आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए प्रोडक्ट 75 में बाय हुआ और सेल जो हुआ 85 में हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट आपका हुआ? अब प्रॉफिट परसेंट के लिए हो सकता है एक्सेल में फॉर्मूला हो ना हो, लेकिन हम मैथमेटिक जरूर जानते हैं। मैथमेटिक कहता है कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, क्या ये है परसेंटेज का फॉर्मूला? और मल्टीप्लाई में 100 कर देते, लेकिन एक्सेल में मल्टीप्लाई में 100 करने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने इसी मैथमेटिक फॉर्मेट को किया, हमने बोला सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। तो महेंद्र जी क्या लग रहा है, फॉर्मूला सही है? एंटर मारने पर रिजल्ट आएगा सर? मल्टीप्लाई बाय 100 करे तो भी फॉर्म सही आएगा रिजल्ट? क्या लग रहा है अमित जी, सही है? इसमें छोटा कोष लगाना पड़ेगा सर डिवाइड में, ब्रैकेट्स। इसमें क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट्स। क्यों आता है कि सीक्वेंस बोर्ड मास मेथड में पहले डिवाइड होता है देन माइनस होता है। तो ये क्या करेगा, B6 को B6 से डिवाइड करेगा, फिर 1 रिजल्ट आएगा, 1 माइनस करके रिजल्ट देके यहां पे 84 जाएगा। समझ आया सर? अब चेक कर सकते हो कैसे आपका कैलकुलेशन कैसे वर्क कर रहा है, कहां पे फार्मूला बार में एवरेज फार्मूला होता है। यहां पे देखिए तो 75 डिवाइड बाय 75 रिजल्ट आया 1 माइनस हो गया। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको कैलकुलेशन को ब्रैकेट के जरिए सेपरेट करना। अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो सबसे पहले माइनस होगा देन डिवाइड होगा। ये देखिए अब आपने जो बोला मल्टीप्लाई बाय 100, अगर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो फिर रिजल्ट आया 13.33, जो कि नंबर है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 1300% समथिंग आ जाएगा, 1333% आ जाएगा। इसलिए परसेंटेज को हमेशा डेसिमल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? डेसिमल। क्लियर है जी? किसी को डाउट नहीं? चलिए
हम दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में हम आए तो मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है। तो प्रिंसिपल 50,000 हो जाएगा, रेट हमारा 10% हो जाएगा और मान लीजिए टाइम हमारा 3 साल है। अब मुझे यहाँ अमाउंट निकालना, हालांकि अमाउंट निकालने के लिए एफडी का फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल है, बट मैं इस फॉर्मूले पे ट्रस्ट नहीं करता या फिर मेरी कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा हट के है। तो मेरी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है वो कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन। एन मतलब कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कब कंपाउंड होता है, मंथ में होता है या फिर क्वार्टर में होता है। मंथ होता था 12, क्वार्टर में होता है 4, मंथ ईयरली होता है तो 1, ये आपका एन हो जाता है। देन टी मल्टीप्लाई बाय एन, तो बेसिकली ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब एक यहाँ पे हो गया कि इससे पहले जो मैंने कैलकुलेशन किया होगा सिंपल था कर लिया, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको तोड़ दीजिए। तो इसको कैसे तोड़िएगा, हम यहाँ पे करते हैं 1 प्लस ब्रैकेट नहीं बोलना है आर डिवाइड बाई 12, एक कैलकुलेशन हो गया। तो दूसरा टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, तो तीसरा इन दोनों का पावर होना चाहिए, तो पावर का सिंबल पता ही है, हमने पावर का सिंबल लगाया, इसको सिलेक्ट किया, रिजल्ट आ गया 1.348132 करके आ गया। एंड आफ्टर दैट मैं इसको प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिजल्ट आएगा 67409। अब ये जो रिजल्ट हमारा आया है ये तो कई सारे सेल से मिलके आया है, बट मुझे तो एक सिंगल सेल में चाहिए। अब यहाँ पे एक नया चीज सीखते हैं, फॉर्मूला मर्जिंग। क्या होता है कि जब आपके पास फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, कई सारे फॉर्मूला लगाना होता है, एक से में सारे फॉर्मूले आप लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले को तोड़ देते हैं, हम फॉर्मूले को स्प्लिट कर देते हैं अलग 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 टुकड़ों में और फिर हम रिजल्ट को वेरीफाई कर देते हैं, देन हम एक के साथ उसको मर्ज करते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने इस पे देखा कि ये दोनों आपका C13 और D13 से है, तो मैं C13 पे गया, C13 का फॉर्मूला इक्वल के बाद से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, फिर वापस हम D13 पे जाते हैं और D13 का फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी करते हैं और जहाँ पे D13 है वहाँ पे D13 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं और यहां जहां पे हमारा E13 के जगह पे फॉर्मूला में हम उसकी ब्रैकेट में उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। तो फाइनली आ गया रिजल्ट। अब इसको मैं कट करके यहां पे डाल लूंगा, कट करके डालिए, कॉपी मत कीजिए वरना रेफरेंस इधर उधर हो सकता है, और रिजल्ट आ गया। अब कुछ लोग इस मेथड को समझते हैं तो बोलते हैं सर ये तो मेथड यूजलेस है, इतना लंबा फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं महेंद्र जी। तो अब जो अगला एग्जांपल मैं देने वाला हूँ ना सर, उस एग्जांपल को देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर ये मेथड काफी यूजफुल है। जैसे कि मेरे पास एक किसी कंपनी के और किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है तो मुझे यहाँ पे MRP निकालनी है। क्या निकालनी है, MRP। और MRP निकालने के लिए कैसे निकालें, तो मैनुअल जो निकालते हैं कुछ इस तरह से निकालते हैं कि 50 का 5% और यहाँ पर 50 में ऐड कर देते हैं।
तो 50 का 5% निकाला और 50 में हमने ऐड कर दिया, फिर वापस इसका मैं 10% निकालूंगा और फिर इसमें ऐड कर दूंगा, फिर यहाँ पे 15% होगा जो इसमें ऐड कर, और इसका 20% निकाला इसमें ऐड कर, ओके। अब कैलकुलेशन तो हो गई, अब इसका कैसे एक सेल में कैसे आएगा सारा रिजल्ट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जहाँ पे हमारा डी 3 है उस पे हम ब्रैकेट के अंदर में उसके फॉर्मूले को पेस्ट कर दें, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ D19 के जगह पे D19 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं, यहाँ भी हमारा D19 है, इसके जगह पे भी इसका फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं, अब इसको यहाँ हटाया जा सकता है, फिर इसको कॉपी करते हैं और जहाँ पे E19 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला हम डालते हैं एंटर, अब इसको डिलीट किया जा सकता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इक्वल के बाद से सारों को कॉपी करना है और एक दूसरे में मर्ज करते चला जाना है, तो ये हमारा E19 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ब्रैकेट में E19 का फॉर्मूला हम डाल देते हैं, स्टार्टिंग का पैकेट छूट गया था सर। अच्छा यहाँ पे ना कॉपी, और यहाँ भी सेम है, अब इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी किए और यहाँ F13 पे हम पेस्ट कर देते हैं, अब इसको डिलीट किया जा सकता है, वापस हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना लंबा फॉर्मूला बन रहा है, इतना लंबा फॉर्मूला आप क्या मैं भी एक बार में नहीं लगा सकता, अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद कई बार में सक्सेस हूं, कई बार गलतियां करने के बाद सक्सेस हूं, लेकिन इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से आपने देखा कि किस तरीके से सारे फॉर्मूले को मैंने एक के साथ कंबाइन कर दिया, समझे सर? हेलो, हाँ जी सर। अब बात आती है, ये तो मैंने करके दिखा दिया और आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपके पास कुछ होना चाहिए, तो आपके पास अगर मैथ का बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आप भी जो है ना, आपको मेरे पास कुछ क्वेश्चन है मैं वो आपको दे रहा हूँ, आप भी ये करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है कि अब जब ऑफिस में आप काम करेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो चीज़ें मिलेगी ना, ये देखिए मैं क्या बोला, चीज़ें मिलेंगी वो 100% प्रूफ रीड होगी, इसकी गारंटी नहीं है,
और दूसरी चीज़ है कि जो आपको अगर प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें आप हर किसी का फॉर्मूला अवेलेबल हो इसकी गारंटी नहीं है। तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से आप यहाँ पे इसको अपने एक्सेल पे इसको इस सारे फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर सर? जैसे मैंने ये बताया था ना आपको, a इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई एम बाई टी, एम की जगह पे मैंने एन ले लिया था, इसको मैं टिकर किया था। चलिए, तो हम एक फॉर्मूला लिस्ट आ